इस वीडियो में आप सीखेंगे कि गुटका रंधे का प्रयोग कैसे किया जाता है। गुटका रंधे का प्रयोग सिरों पर रंधा करने, किनारों को तिरछा बनाने और जोड़ों को फिनिश करने के लिए किया जाता है। इसकी छोटी बॉडी को कई तरीकों से पकड़ा जा सकता है, जिससे कठिन सतहों पर काम करना आसान हो जाता है। आपको जिन उपकरणों और मटेरियल की आवश्यकता होगी वे हैं: गुटका रंधा, पेंसिल, हथौड़ी, लकड़ी और बेकार लकड़ी के कुछ टुकड़े। रंधे के मुख्य भाग हैं बॉडी, ब्लेड और नॉब। गुटका रंधे में ब्लेड कम कोण पर जुड़ा होता है। जब आप रंधे के मुंह के ऊपर अपनी उंगली घुमाते हैं, तब आपको आधे से एक मिलीमीटर तक ब्लेड बाहर निकला हुआ महसूस होना चाहिए। यदि आप दाएं हाथ से काम करते हैं, तो अपने दाहिने हाथ से पीछे और नॉब को अपने बाएं हाथ से पकड़े। आप इसे एक हाथ से भी पकड़ सकते हैं। बाएं किनारे पर अपने अंगूठे और बाकी उंगलियों को बॉडी के दाएं किनारे पर रखते हुए तर्जनी उंगली को नॉब के ऊपर ले जाएं। गुटका रंधे का प्रयोग करने के लिए लकड़ी को शिकंजे में कसे, रेशों की दिशा के बारे में जाने और जहां संभव हो सके इसके साथ काम करें। यदि रंधा लकड़ी नहीं छिलता है, तो हथौड़ी की सहायता से ब्लेड ठीक करें। ब्लेड बहुत अधिक बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए। छिलने की गहराई को निश्चित करने के लिए पीछे का पहिया घुमाएं। पीछे की अपेक्षा रंधे की आगे की ओर अधिक वजन डालें। फिर जब आप एक स्ट्रोक पूरा करते हैं, तब वजन को दूसरी ओर डालें। जब आप दूसरे स्ट्रोक के लिए वापस आते हैं, तब रंधे पर से वजन हटाएं और इसे ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि आप सिरे की ओर वजन कम डालें, अन्यथा रंधा नीचे की ओर गिरेगा और लकड़ी खराब हो जाएगी। तिरछा रंधा करने के लिए लकड़ी के दोनों ओर पेंसिल से निशान बनाएं। आप तिरछा बनाने के लिए रंधे को एक हाथ से पकड़ सकते हैं। रंधे के पहले दो या तीन स्ट्रोक के साथ सही कोण बनाने का प्रयास करें। यदि तिरछा किनारा भाग रहा है, तो निशानों तक पहुंचने से पहले ही इसे ठीक करें। आमतौर पर नए कारपेंटर से किनारों के खराब होने और लकड़ी के उखड़ने की संभावना अधिक होती है। आप लकड़ी को दूसरी ओर घुमा सकते हैं या दूसरी दिशा से रंधा कर सकते हैं। सिरों पर रंधा करने के लिए गुटका रंधे को कम कोण पर पकड़ना चाहिए। बहुत सारी लकड़ियों के सिरों पर रंधा करना चुनौतीपूर्वक हो सकता है। सिरों को ऊपर की ओर रखते हुए लकड़ियों को एक साथ मिलाकर शिकंजे में कसे। यदि लकड़ी छोटी है, तो आप इसके साथ बेकार लकड़ी रख सकते हैं। अब आप लकड़ी के दोनों टुकड़ों को ऊपर से छिल सकते हैं और सुनिश्चित करें कि किनारे न उखड़े। सीधा रंधा करने के बजाय आप रंधे को तिरछे रखकर छिलते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जब आप रंधा लगभग पूरा कर ले, हल्के स्ट्रोक के साथ सिरों को एक साफ व चिकनी फिनिश दे। अब आपने गुटका रंधा करना सीख लिया है।